एवरीवन, अभी दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है तो ये परफेक्ट टाइम है टू ऐड क्रिएटिविटी टू योर होम। तो आज हम कुछ इजी और ब्यूटीफुल डीआईवाई डेकोर बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने लिया है चॉकलेट बॉक्स। आप मिठाई का प्लास्टिक बॉक्स या इस टाइप का फूड कंटेनर भी ले सकते हो। अब मैं ले रही हूँ सीमेंट और पानी का मिक्सचर, आप कोई भी सीमेंट ले सकते हो। अब सीमेंट मिक्सचर को कंटेनर में ऐड करना है तो इसके पहले हम वैसेलिन या ऑयल लगाएंगे, उसके बाद सीमेंट को कंटेनर में डाल देना है। अब ऐसे थोड़ा सा टैप टैप करना है ताकि सीमेंट में से एयर बबल्स निकल जाए। उसके बाद टी लाइट कैंडल में वैसेलिन लगा के बीच में प्रेस करते हुए प्लेस करना है। अब हम फिर से टैप टैप करके सीमेंट को सेट कर देंगे। एक दिन ड्राई होने के बाद ये निकाल देना है। आप चाहो तो कंटेनर में से निकालने के बाद एक और दिन भी ड्राई होने के लिए रख सकते हो। चॉकलेट बॉक्स की हाइट ज़्यादा नहीं थी तो कैंडल के नीचे का पार्ट बहुत ही कम था, तो वो एक में तो ऐसे ही निकल गया, तो मैं दूसरे में भी निकाल दूंगी। अब मैं अच्छे से सेंडिंग कर दूंगी। सेंडिंग करने के बाद मैंने जैसो लगा दिया था, उसके बाद मैं पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो। जो भी मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। दोनों में पेंट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं वॉर्निश अप्लाई करूँगी ताकि पेंट सिक्योर हो जाए। अब मैं ये दो टाइप के हाफ कटिंग बीट्स यूज़ करूँगी जो मैं लोकल स्टोर से लाई थी। आपको ऐसे लोकल लेस की शॉप्स में से ईजीली मिल जाएंगे। आप बीट्स जैसे भी लगाना चाहते हो वैसे लगा दीजिए। आपने अगर राउंड वाला कंटेनर यूज़ करके बनाया है तो उसमें फ्लावर वाली डिज़ाइन बना के उसमें बीड्स लगा सकते हो। तो इसी तरह से आप कैंडल होल्डर बना सकते हो। सेकेंड DIY के लिए मैंने लिए हैं मिट्टी के दीपक और छोटी मटकियाँ। ये आपको मिट्टी के बर्तन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल कैंडल होल्डर, तो उसके लिए सभी के बेस को इवन करने के लिए सैंडिंग कर रही हूँ। सैंडिंग हो जाने के बाद दो दीपक या दिया को ग्लू से ऐसे स्टिक कर दूंगी। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए मैं बाहर भी ग्लू लगा दूंगी। अब उसके ऊपर एक मटकी लगाऊंगी। उसी तरह से उसके ऊपर और दीपक और मटकी लगाते जाना है। उसी तरह से मैंने एक और उससे छोटा कैंडल होल्डर बना दिया है। अब मैं दोनों में जैसो लगा दूंगी। अगर जैसो नहीं लगाएंगे तो पेंट के 2 से 3 कोट तो आपको करने पड़ेंगे। अगर हम जैसो अप्लाई करते हैं तो हम जो पेंट करते हैं वो निखर के आता है। आप घर पे भी जैसो बना सकते हो वाइट पेंट, वाइट ग्लू और टेलकम पाउडर मिक्स करके। अब मैं गोल्डन पेंट अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे मेटालिक गोल्डन पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप स्प्रे पेंट, गोल्डन वॉल पेंट या गोल्डन एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास ये वुडन बीड्स की माला है तो मैं ग्लू की हेल्प से लगा दूंगी। मेरे पास ऐसे छोटे प्लास्टिक बीड्स वाली माला भी है तो वो भी मैं लगा दूंगी। तो इसी तरह से आप ट्रेडिशनल कैंडल होल्डर बना सकते हो। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ली है ओल्ड CD और क्ले। सबसे पहले मोल्डिंग क्ले को अच्छे से मिलाकर थोड़ी सी क्ले लेकर ऐसा शेप बनाना है और इस तरह से CD की एज पे रख देना है। अब धीरे से अंदर की तरफ क्ले को ऐसे प्रेस करके फैलाना है। उसके बाद टूथपिक या कोई भी शार्प पेंसिल या ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट से लाइन बनानी है।
सेम प्रोसेस को हम पूरी सीडी में कंटिन्यू करके फ्लावर जैसा शेप बनाएंगे। आप सीडी की जगह लीड भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब हम अंदर की तरफ भी सेम प्रोसेस करके पेटल्स बनाएंगे। पेंट करने से पहले जैसो का एक कोट मैं अप्लाई कर दूंगी। अब फ्लावर का जो बाहर का पार्ट है उसमें मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। बाद में मैंने उस पर ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया था। अब मैं फ्लावर में लाइट पिंक चॉक पेंट कर रही हूँ। पेंट ड्राई हो जाने के बाद अब मैं डार्क पिंक कलर का वैक्स लगाकर जो हाई पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करूंगी। लास्ट में टी लाइट कैंडल के ऊपर मैं ये हाफ कटिंग बीड्स लगा दूंगी। तो इस तरह से आप टी लाइट कैंडल होल्डर बना सकते हो। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैं ले रही हूँ स्ट्रिंग लाइट। स्ट्रिंग लाइट के बिना दिवाली डेकोर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो उसके साथ मैं ले रही हूँ इस टाइप के गोटा पत्ती फ्लावर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके। ये गोल्डन सिल्वर और दोनों के बीच वाला ऐसे तीन कलर्स में आता है, तो मैंने बीच वाला कलर लिया है। उसको पूरी स्ट्रिंग लाइट में ग्लू से लगा देना है। आप दो तरीके से उसको स्टाइल कर सकते हो। फर्स्ट आप ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो, सेकेंडली आप 5 या 6 फ्लावर्स लेके बंच बना दीजिए। और उसको रबर से टाई कर दीजिए। ऐसे पूरी स्ट्रिंग में मैंने टोटल 3 बंचेस बनाए। अब तीनों बंचेस को मिला के एक फ्लावर बनाना है। अगर आप छोटे छोटे बंचेस नहीं बनाना चाहते तो आप बड़ा वाला भी बना सकते हो, पर वो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। अब इसको आप वेज में लगा दीजिए और आपका डीआईवाई रेडी है। के लिए मैंने ली है गोल्डन लेस। आप कोई भी फैब्रिक आपके पास है वो ले सकते हो। लेस के पेटल्स बनाने हैं तो मैं लेस को कट करके ले रही हूँ। मैं अप्रॉक्स 7x3 सेंटीमीटर लेस कट करके ले रही हूँ। लेस को ऐसे फोल्ड करना है और नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से नीचे स्टिच करके टाई कर देना है। ऐसे मैंने 7 पेटल्स बना दिए हैं। अब थीन कार्डबोर्ड के टी लाइट कैंडल के जितने 2 सर्कल कट करने हैं। अब मैं एक सर्कल के ऊपर ग्लू से सभी पेटल्स को लगा दूंगी। अब जो दूसरा वाला सर्कल है उसको भी ग्लू से लगा देना है। लास्ट में टी लाइट कैंडल के ऊपर लेस लगा देनी है। तो हमारा डीआईवाई कैंडल होल्डर रेडी है। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने लिया है ग्लास का जार। जार के ऊपर मैं स्पॉन्ज से वाइट एक्रेलिक पेंट और पानी का मिक्सचर अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे पेंट में पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा इफेक्ट चाहिए। अब मैं ले रही हूँ लेस। ये लेस कलर वाली इसलिए है क्योंकि मैंने एक और डीआईवाई में यूज किया था, अदरवाइज ये लेस वाइट में आती है। मुझे लेस का कुछ ही हिस्सा चाहिए तो मैं उसे कट करके ले रही हूँ। अब मुझे ये लेस में कॉपर कलर करना है, तो मैं स्पॉन्ज एंड ब्रश की हेल्प से कॉपर एक्रेलिक पेंट अप्लाई करूँगी।
पेंट ड्राई होने के बाद लेस जार के ऊपर इस तरह से ग्लू से लगा देनी है। लेस लग जाने के बाद जार की ऊपर की साइड और नीचे की साइड कॉपर पेंट कर दूंगी। अब बस आप इसके अंदर कैंडल लगा दीजिए और हमारा DIY लैंटर्न रेडी है। नेक्स्ट DIY उसके लिए है जिसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है पर कुछ बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिया है वुडन रिंग और बीड्स वाली लेस। आप वुडन की बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बस आपको ये बीड्स वाली लेस रिंग या बैंगल्स के आसपास लगा देनी है। आपको ऐसी बहुत सारी डिफरेंट लेसेस मिल जाएंगी लेस वाले स्टोर में, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से इजी कैंडल डेकोर बना सकते हो। DIY सबसे ज्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो, मैं आपका DIY स्टोरी में और कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी। एंड विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।